हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन गुरु। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे 4-in-1 टाइप 1 के बारे में, यानी जो मोबाइल क्रेन है, ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। इसके बारे में ऑपरेटिंग जो फंक्शन था उसके बारे में चल रहा था। तो पहला हमने लिया था किसका 2-in-1 टाइप 1, टाइप 1, 2-in-1 टाइप 2, 2-in-1 टाइप 3, यानी उसका 2-in-1 का हम लोग टाइप 3 तक का हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 4-in-1 टाइप 1, यानी एक में चार फंक्शन, एक जो मास्टर कंट्रोल होगा उसमें चार फंक्शन होता है, और ये चार फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में हम लोग आइए जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ अपने बोर्ड के ऊपर में देख रहा है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में कैसा है, एक लीवर में चार फंक्शन है, यानी आगे पीछे लेफ्ट राइट, यहाँ भी है आगे पीछे लेफ्ट राइट में, यानी एक लीवर में चार फंक्शन होता है, तो इसके लिए इसका नाम रखा गया है। तो 4-in-1 में हमारा ये कौन सा है, टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप है, यानी 4-in-1 का टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है, बहुत ज्यादा इसमें जो छोटे छोटे लीवर होते हैं वो अलग दिए हुए नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दूसरा फंक्शन नहीं होता है, सीधा सीधा हमारे जो क्रेन का ऑपरेशनल जो फंक्शन होता है उसको दिया हुआ है, और उसके थ्रू हम लोग क्रेन को ऑपरेट करते हैं। और 4-in-1 टाइप 1 में हम देख रहे हैं कि ये दो मास्टर कंट्रोल है, ये दो मास्टर कंट्रोल जो ऑपरेटिंग सीट होता है, ऑपरेटर बैठता है, उसके जस्ट लेफ्ट एंड राइट में आपको नजर आते हैं, यानी दो हाथ में दो लीवर फंक्शन होता है। अब इसमें क्या है, राइट वाला अगर हम देखते हैं तो ये राइट साइड होता है, और यहाँ पर क्या है, ये लीवर है, लीवर को जब हम आगे की तरफ में पुश करेंगे तो ये अरिया है, अरिया यानी जो हमारा होस्ट ब्लॉक है वो डाउन जाएगा, डाउन जाने के लिए यानी अरिया के लिए, और हम पीछे करेंगे तो ये होगा हबिस के लिए, यानी जो हुक है वो हुक ऊपर की तरफ में आएगा, यानी होस्ट होगा। इसी लीवर को अगर हम राइट साइड में टर्न करते हैं, यानी राइट साइड में अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बूम ओपन के लिए, यानी जो टेलीस्कोपिक बूम, हम लोग टेलीस्कोपिक बूम का लेंथ को बढ़ाने के लिए जो यूज करते थे, 2-in-1 जो फंक्शन था उसमें देखते थे कि अलग से लीवर होता था, लेकिन इसमें 4-in-1 में आपको अलग से लीवर नहीं बल्कि एक ही लीवर में ये सारा काम होगा। तो ये राइट साइड में हम जब इसको लीवर को करेंगे तो ये क्या होगा, बूम ओपन के लिए जाएगा, और जब हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये टेलीस्कोपिक बूम क्लोज हो जाएगा, यानी जो टेलीस्कोपिक बूम की जो लंबाई थी वो कम हो जाएगी। दूसरा चीज हम लोग लेफ्ट हैंड में देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड में जो हमको इस लीवर में जो मिलता है फंक्शन, वो होता है बूम अप एंड डाउन एंड स्विंग के लिए। जब हम इस लीवर को आगे के तरफ में जब हम कमांड डालते हैं तो बूम डाउन का कमांड जाता है, और जब हम इसी लीवर को अप के तरफ में करते हैं या पीछे के तरफ में जब करते हैं तो ये होता है बूम अप के लिए कमांड जाता है। जब हम इसी लीवर को राइट साइड में जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये राइट स्विंग के लिए जाता है, और जब लेफ्ट हमको जब इस लीवर को ऑपरेट करते हैं लेफ्ट साइड में तो मशीन लेफ्ट स्विंग में जाती है। दूसरा चीज क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा इसमें सुविधा होता है ऑपरेटर के लिए कि एक साथ में वो मल्टी फंक्शन कर सकता है। और 2-in-1 में क्या होता था, एक एक करके हमको ऑपरेट करना पड़ता था, यानी जस्ट हमारे सामने में सारे मास्टर कंट्रोल होते थे, सारे लीवर होते थे, और हम उसको वन बाय वन ऑपरेट करता था। लेकिन ये 4-in-1 में यही सुविधा होता है कि एक साथ में आप मल्टी ऑपरेशनल आप कर सकते हैं। किस प्रकार से, आप अरिया करते हुए भी बूम ओपन क्लोज कुछ भी आपको करने का जरूरत है तो आप कर सकते हैं, यानी इसी लीवर को अगर हम इस प्रकार से देखें कि एक लीवर इधर पे है और हम इसको ऐसा डाउन करके भी इस तरफ में अगर करें तो दो फंक्शन चालू हो जाता है, या डाउन करके हम लेफ्ट साइड में करें तो वो फंक्शन भी चालू हो जाएगा, दो दो फंक्शन एक साथ में चालू हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि अरिया करते हुए हमको बूम को अप करना है तो हम ये क्या करेंगे, एक राइट हैंड वाला जो हमारा लीवर है, राइट हैंड वाला को हम आगे के तरफ में करेंगे, और जो लेफ्ट वाला है वो हम पीछे के तरफ में करेंगे, यानी जो बूम अप है ये हम अप करा देते हैं, यानी हम इसको हम डाउन भी कर रहे हैं और बूम अप हो रहा है। अगर हम जस्ट ऑपोजिट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बूम डाउन के लिए जाएगा कमांड, और यहाँ पर ये होइस्ट के लिए जाएगा, यानी होइस्ट ब्लॉक है वो ऊपर के तरफ में जाएगा, यानी हम मल्टी फंक्शन एक साथ में कर सकते हैं। हम स्विंग कराते हुए भी हम कौन सा भी फंक्शन करा सकते हैं, अगर हमको टेलीस्कोपिक बूम ओपन करने का या क्लोज करने का है तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक होता है, और ये फटाफट ऑपरेटिंग के लिए
हमको सुविधा मिलता है, ऑपरेटर बहुत ही आसानी से इस काम को कर सकता है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब आप ओपन करा रहे हैं, आप इसको ओपन करा रहे हैं क्या, टेलीस्कोपिक बूम को जब ओपन कमांड में आप डाले हुए हैं, तब हमको इसका डाउन करने का जरूरत पड़ता है, यानी जो बूम लेंथ है, बूम लेंथ जब बढ़ता है तो जो होस्ट है, होस्ट ब्लॉक, वो जितना रोप उसका खुला हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाता है, यानी वो जो रोप की लंबाई जो बढ़ी हुई है उसको उसने खपत कर देता है लंबाई को लेकर के, धीरे धीरे रोप का खिंचाव बढ़ता रहता है। तो उस दौरान में अगर आप देख रहे हैं कि हम टेलीस्कोपिक बूम को ओपन कर रहे हैं और हमारा होस्ट ब्लॉक नीचे के तरफ में नहीं आकर के वो रोप खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उस वक्त, अरिया कराने का जरूरत पड़ता है, यानी हम रोप डाउन का हम कमांड दे देते हैं, यानी हम ओपन भी कर रहे हैं इस तरफ में करके, ओपन भी कर रहे हैं और हम अरिया भी किए हुए हैं, यानी ये जस्ट हमारा क्रॉस में चला जाता है, क्रॉस एंगल में ये ऑपरेट होता है लीवर, यानी इस प्रकार से करके हम ऐसा भी कर देंगे तो ये हमारा दोनों फंक्शन एक साथ में काम कर रहा है, टेलीस्कोपिक बूम ओपन भी हो रहा है और डाउन भी हो रहा है, यानी हमारा जो हॉइस्ट ब्लॉक है वो डाउन भी हो रहा है। जब हम देखेंगे कि दो में से किसी एक का जरूरत है, तो जिसका जरूरत है वो हम उसको ही ऑपरेट भी कर सकते हैं, तुरंत में दूसरे वाले को न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी सपोज आपको हम यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये बूम ओपन है इस प्रकार के और हम आगे में किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, बूम ओपन एंड अरिया दोनों साथ में, अरिया को रोकना है तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको सीधा से पीछे के तरफ में ले आते हैं, यानी ये अरिया था और ये हमने इसको न्यूट्रल कर दिया, अरिया को न्यूट्रल कर दिया। अगर हमको हविस करने का जरूरत है तो इसी फंक्शन में रखते हुए हम इसको इस तरफ में ला ले आएंगे, तो ये वापस हविस के तरफ में चला जाएगा। तो ये इस तरह का काम हम लोग एक साथ में कर सकते हैं। तो दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, जो ऊपर में ये पैनल बोर्ड है, ये पैनल बोर्ड सभी मशीनों में मिलते हैं, आपके ऑपरेटिंग केबिन में सभी में मिलेंगे, हालांकि जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार का यहाँ पर ये डिजाइन बना हुआ है इसी प्रकार से मिलेगा, अलग अलग मॉडल पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरह के डिजाइन से बने होते हैं और इंजीनियर उसमें लगाया होता है जैसा उसका जरूरत पड़ता है उसके हिसाब से। दूसरा चीज यहाँ मॉनिटर है, ये मॉनिटर की जगह पे है, यहाँ मॉनिटर का फिगर इसलिए नहीं बना हुआ है क्योंकि 2-in-1 Type 2 में इसके बारे में डिटेल से जानकारी दिया हुआ है। फ्रेंड्स उसके जानकारी के लिए आप उस पार्ट को आप देखें तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अलग चीज इसमें देखने को मिलता है क्या कि ये जो मेन हमारा जो लीवर है, इस लीवर में हम देखेंगे कि अरिया और हबिस के लिए जो दिया हुआ है ये मेन होस्ट के लिए होता है। सपोज हमको मेन होस्ट का जरूरत नहीं है, हमने फ्लाईजिप लगा करके, यानी जो एक्स्ट्रा जो बूम होता है उस मैकेनिकल बूम को लगा करके, और हमको जरूरत किसका है, हमको ऑक्जिलरी का जरूरत है ऑपरेट करने के लिए, तो उसको हम लोग किस प्रकार से ऑपरेट करेंगे, तो ऑक्जिलरी के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, यानी फॉर ऑक्जिलरी यूज ओनली यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम किस प्रकार से इस लीवर को ऑपरेट करके और उस ऑक्जिलरी के होस्ट ब्लॉक को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये भी ठीक उसी प्रकार से ऑपरेट होता है जैसे बाकी के लीवर अप एंड डाउन करके हम होस्ट को ऑपरेट करते हैं, यानी होस्ट ब्लॉक को अप एंड डाउन कराते हैं, उसी प्रकार से ये भी काम करता है। अगला चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमको मिलता है लीवर लॉक। ये लीवर लॉक क्या है, लीवर लॉक एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप लीवर को लॉक करके आप नीचे भी उतर सकते हैं और कुछ जो ऐसा जरूरत पड़ता है बातें करने का तो आप करके उसके बाद उस काम को खत्म करके, कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है कुछ चीजों के डिस्कशन के लिए या लोकेशन देखने के लिए कि किस प्रकार से किधर से हमको देना है इसके बारे में, तो हमको केबिन से नीचे उतरना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लीवर को लॉक करके, लीवर लॉक जो हमारा लीवर होता है हम इसको ऑपरेट करके उसके बाद हम नीचे आते हैं और फिर जब हम केबिन में जाते हैं तो इस लीवर को ओपन करके उसके बाद हम यहाँ पर जो बाकी का फंक्शन होता है क्रेन को ऑपरेट करने का उस काम को हम लोग करते हैं। यानी जब हम इसको ऊपर के तरफ में कर देते हैं तो ये लीवर लॉक हो जाता है, यानी इसके बाद अगर आप कौन सा भी लीवर को ऑपरेट करेंगे तो कोई भी फंक्शन होने वाला नहीं है। अगर उसके बाद जब हमको ये ऑपरेट करना है तो हम इस लीवर को डाउन के तरफ में कर देते हैं, डाउन वार्ड में जब हम इसको रख देते हैं तो ये लीवर हमारे जो फंक्शन है ये फंक्शन के लिए शुरू हो जाता है, फंक्शन हमारा काम करने लगता है, अब इसके बाद कोई भी हम ऑपरेट करेंगे वो ऑपरेट होगा वहां पर।